एमपी रहने के वक्त पार्लियामेंट में जो घुसपैठियों को लेके बोला है वो वीडियो उन्होंने कल दावा किया वो फेक न्यूज है, फेक वीडियो है, क्या करेंगे? पार्लियामेंट से मैंने अधिकृत उस वीडियो को मंगवाया है। मैं चुनौती देता हूँ, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, नहीं तो ममता जी को राजनीति से संन्यास लेना पड़ेगा कि उन्होंने बयान दिया था कि नहीं दिया था। मेरे पास वो वीडियो की लोकसभा की सर्टिफाइड कॉपी है जिन्होंने जिसमें ममता जी ने घुसपैठियों का विरोध किया था, सीपीएम के ऊपर आरोप लगाया था, वो सारे के सारे दस्तावेज हैं। या तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा या ममता जी को देना चाहिए इस्तीफा। उन्होंने और भी बोला है कि पीएफआई और सीमी ये गंडोगोल कर रहा है यहाँ पे पश्चिम बंगाल में, और बीजेपी का कोई नेता है जो पैसा देके ये गंडोगोल करवा रहे हैं, क्या बोलेंगे? ये सब जानते हैं कि 13 तारीख को ममता जी ने जैसे ही घोषणा की कि हम सीए बिल का विरोध करेंगे, वैसे ही जुम्मे की नमाज के बाद घुसपैठियों ने इस प्रदेश के अंदर अशांति फैलाई ममता जी के इशारे पर। मेरा सीधा सीधा आरोप है ममता जी पर, यदि आरोप गलत हो तो ममता जी मुझ पर कार्रवाई करें। मैं तो मुख्यमंत्री के पर आरोप लगा रहा हूं कि उनके भाषण के बाद, उनकी घोषणा के बाद, जुम्मे की नमाज के बाद घुसपैठियों ने इस प्रदेश के अंदर अराजकता फैलाई, रेलवे स्टेशन को टारगेट किया और करोड़ों रुपए का इस देश की संपत्ति का नुकसान पहुंचाया। धन्यवाद।